नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के लिए एक खबर आ रही है इजराइल से, जो कि बहुत ज़्यादा दुख देने वाली है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। ये दरअसल खबर जुड़ी हुई है भारत के सैनिकों से। जी हाँ, भारत के 900 से ज़्यादा सैनिक इजराइल में डिप्लॉयड हैं, इजराइल और लेबनान के बॉर्डर में डिप्लॉयड हैं। अब आइए समझाते हैं कि वो क्यों डिप्लॉयड हैं और इस पे यूएन ने कुछ कंसर्न जताया है, कुछ चिंता जताई है। और वो चिंता क्या है, आखिर क्यों ऐसा है कि भारत के 900 से ज़्यादा सैनिक वहाँ पर फंसे हुए हैं या वहाँ पर रुके हुए हैं, वो आखिर क्या है। आइए दोस्तों समझते हैं पूरी खबर को विस्तार से। दरअसल दोस्तों, आपको पता होगा कि इसराइल और हमास के बीच में एक लड़ाई चल रही है अक्टूबर 2023 से। हमास अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है और वहाँ पर गाज़ा पट्टी पर जो ये अटैक किए हैं इसराइल ने, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से करे हैं और वहाँ पर सिविलियंस की बहुत ज़्यादा डेथ हुई है। अब सिविलियंस खूब मारे गए हैं और साथ ही साथ आपको एक बात और बता दूँ कि इसराइल की तरफ से जो लोग थे जिन्होंने वहाँ पर, हमास के लोगों ने इजरायली लोगों को बंधक बना लिया था, तो वो बंधक भी अभी पूरी तरह से छूटे नहीं हैं। तो वो बंधक भी हैं और इजरायल ने इसी की वजह से गाज़ा पट्टी में डिस्ट्रक्शन करी। ये तो है एक स्टोरी। अब वहाँ पर लोगों को जो दिखा, जो आतंकी संगठन है या दूसरे लोग, आप समझ लो लोग जो देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि गाज़ा पट्टी में हमास के ऊपर जो अटैक किया जा रहा है उसमें सिविलियंस की मौत हो रही है। ये तो लोगों को दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर जो बंधक अभी बनाए हुए हैं इसराइल के लोग बंधक हैं, उनके बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा है। तो दोस्तों, सिर्फ लोगों को जब एक साइड दिख रही तो उसमें एक हिजबुल्ला है जो लेबनान में है। लेबनान एक देश है इसराइल के बगल में, नॉर्थ साइड में। तो वो उस देश में एक संगठन है हिजबुल्ला के नाम से, वो वहाँ पर है। वो अटैक करता रहता है इसराइल के ऊपर और पूरी तरीके से अटैक करता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग संगठन है वो। उसको जो फंडिंग करी जाती है, जो फंडिंग होती है उसकी, वो ऐसा माना जाता है कि ईरान के द्वारा उसको बैक किया जाता है, उसे फंडिंग करी जाती है। इसराइल के लोग ऐसा बोलते हैं और ऐसी ही खबरें आती हैं। अब दोस्तों, उसको हथियार भी वहीं से मिलते हैं, उसको पैसा भी वहीं से मिलता है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो वो ज़बरदस्त तरीके से भीषण युद्ध, मतलब अटैक करता रहता है इसराइल को। अब हुआ क्या कि हमास और इसराइल और हिजबुल्ला, हमास तो एक साइड हो गया, अब हिजबुल्ला और इसराइल की सैनिक आमने सामने आ चुकी हैं। अब ये पूरी तरीके से फुल स्केल वॉर की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसराइल ने फाइनल एक कहते हैं कि जो मैसेज सेंड करना होता है कि इसराइल अब टॉलरेट नहीं करेगा हिजबुल्ला को, अब ये उसके लिए एक डिसाइसिव एक्शन लेने जा रहे हैं। ऐसा इन्होंने एक वीडियो डाला हुआ है इसराइल ने अपने ट्विटर हैंडल पे। अब वहाँ पे जो एक्स पे वीडियो पड़ा, उसमें क्लियर बताया गया कि अब डिसाइसिव एक्शन लेना है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अब डिसाइसिव एक्शन का मतलब कि दोनों तरफ से लड़ाई होगी अब पूरी तरीके से। अब जब लड़ाई होगी तो वहाँ, अब आप सोचेंगे कि इंडिया के जो सोल्जर हैं वो कैसे वहाँ पहुँच गए। तो आपको बता दें कि जो जगह है इसराइल और लेबनान के बीच में, जिसको बॉर्डर कहना चाहिए, तो वहाँ कोई बॉर्डर है ही नहीं, उसको बोला जाता है द ब्लू लाइन। तो जब ब्लू, जो भी जिस भी जगह पर बॉर्डर नहीं होती है, वहाँ यूनाइटेड नेशन अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेज देता है। तो पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पर डिप्लॉयड है और उस पीस कीपिंग फोर्स में हमारे 900 से ज़्यादा सोल्जर हैं। अब आप ये समझ लो कि इनका काम ये होता है कि जिस भी जगह पे हो वहाँ पर शांति बनाए रखो, बॉर्डर नहीं है तो वहाँ पर लाइन पे जो खड़े हो, तो लेबनान के अगर तरफ से कोई इसराइल की तरफ जाना चाहता है तो उनको रोक दो, इसराइल की तरफ से कोई लेबनान जाना चाहता है तो उनको रोक दो। ये उनका काम होता है ग्राउंड लेवल पे। और हिजबुल्ला जो अभी अटैक कर रहा था वो एयर पे कर रहा था, आकाश से रॉकेट छोड़ता था इसराइल की तरफ पे। तो दोस्तों, ये तो रहा चीज़। अब इंडिया के सोल्जर उसमें कैसे डिप्लॉयड हो गए। दरअसल पीस कीपिंग फोर्स में सभी देश अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपने अपने सैनिक भेजते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा सैनिक अगर भेजता है कोई,
तो वो नेपाल भेजता है, भारत दूसरे नंबर पे है। तो आज 6000 से ज़्यादा सैनिक हम भेज चुके हैं और भेजे हुए हैं अभी भी पीस कीपिंग फोर्स में, उसमें 900 से ज़्यादा डिप्लॉयड इसराइल और लेबनान के बॉर्डर पर है वहाँ, क्योंकि बॉर्डर डिसाइडेड नहीं है। तो दोस्तों अगर किसी को युद्ध लड़ना ही है तो किसी पीस कीपिंग फोर्स के लोगों की जान को जोखिम में क्यों डाला जाए? यूएन को भी ये सोचना चाहिए कि अगर दोनों ही लोग नहीं मान रहे, ना इसराइल मान रहा है ना हिजबुल्ला मान रहा है, तो दोनों के बीच में लड़ाई होनी है, तो अननेसेसरी उनको जो पीस कीपिंग फोर्स है वहाँ से हटा लेनी चाहिए, क्योंकि युद्ध अगर उनको करना है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप तो उस वक्त हेल्प कर सकते हैं कोई युद्ध ना कर रहा हो और एक दूसरे के बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हो, तो आप उस ब्लू लाइन पे जाके आप लोगों को रोक दोगे, या किसी सिविलियंस को अगर सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप दे दोगे, लेकिन आप युद्ध में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो दोस्तों इसलिए भारत के 900 से ज़्यादा सैनिक वहाँ पे खतरे में आ चुके हैं। अब दोस्तों इससे जुड़ी हुई कुछ और अपडेट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।